अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RBS चैनल। इस चैनल में मैं आपको अपनी बेहतरीन रेसिपीज़ बताऊंगी और आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट की और इसमें है 90 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, सॉफ्ट एंड मेल्ट नहीं करना, 150 ग्राम 3/4 कप जो है वो है कैस्टर शुगर, 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे, 3/4 कप 160 ग्राम बटर है, बटर मिल्क है। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं, आप दही को ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल के या दूध डाल के पतला कर लें और 160 ग्राम पूरा कर लें, और नहीं है तो फिर 160 ग्राम मिल्क लें, उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालें। जैसे कि ये है, ये मैंने दूध गर्म किया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ, ये कर्डल हो जाएगा और जब तक मैं इसको यूज़ करना है तब तक ये इस तरह से ये हो जाएगा ना, तो ये है। और इसके अलावा है 3/4 कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल है, ये 160 ग्राम है तकरीबन, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट है और 2 कप जो है वो केक फ्लावर है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून फूड कलर है। वो अपने आप अकॉर्डिंग आप देखें कि पास फूड कलर जो है वो ज़रा लाइट होते हैं तो मे बी आपको ज़्यादा डालना पड़े या कम डालना पड़े। तो इसके ऊपर हम करेंगे क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग, उसकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये शुरू करती हूँ इसका प्रोसेस। बटर को मैं बीट करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसमें आइसिंग शुगर डालना शुरू करूँगी और बीट करती रहूँगी, सॉफ्ट करूँगी। वन बाय वन जो है वो एग डालें, पहले ये एक इसको मिक्स करें, उसके बाद दूसरा डालें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो सारे थे वो मैंने डाल दिए, ये 1/2 टीस्पून मैं फूड कलर डाल रही हूँ रेड, मैं डाल के देखूंगी, अगर कम लगा तो फिर मैं थोड़ा और डाल दूंगी। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैं लिक्विड में मिक्स करूंगी। ये हल्का सा मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं बीटर से ही करूंगी ताकि लम्स ना रह जाएं इसके अंदर। अगर अभी मैं बीटर चलाऊंगी तो ये उड़ेगा।
मोल्ड में डाल रही हूँ। 170 डिग्रीज पे मैंने उसको प्री हीट किया हुआ है ओवन को, और मैं इसको रखूँगी 30 to 35 या इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। टेम्परेचर पे है, मेरे पास गैस ओवन है। अब मैं केक जो है वो रेडी हो गया है, उसकी फ्रॉस्टिंग मैं तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 कप बटर है 225 ग्राम, 1 कप शुगर है और क्रीम चीज़ है 250 ग्राम मेरे पास। ये घर का बना हुआ क्रीम चीज़ है जो जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इस शुगर और बटर को मैं इतना बीट किया है कि ये येलो से ऑलमोस्ट वाइट हो गया है, बिल्कुल हल्का सा ये ऑफ वाइट लग रहा है। अभी मैं क्रीम चीज़ को मिक्स बीट ये क्रीम चीज़ जो है मैं इसको बटर में मिक्स करूँगी। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी है, बस केक जो है वो ठंडा हो रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसको मैं डेकोरेट करूँगी और आइसिंग करूँगी उसकी। केक को मैंने 2 पोर्शंस में काट लिए और इसका जो ऊपर टॉप था उसको मैंने काट के क्रम्स के लिए अलग कर लिया, उसकी मैं क्रम के साथ डेकोरेट करूँगी। साइड्स पे मैं क्रम लगाऊंगी इस तरीके से, ये थोड़ा सा मैसी है, प्लेट के ऊपर रखूंगी मैं। रेड वेलवेट केक रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें, घर में बनाएं और ज़रूर बताएं मुझे कि ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है। मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।